आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और इसलिए आपने 30 मिनट, 1 मिनट, आपका कोई रिकॉर्ड में, जरा बैठिए। अधीर बाबू कुछ कहना है तो और माननीय अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई, ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया, उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी, ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। एक मिनट, बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मैंने दिया था, किसी ने टोका टोकी नहीं की थी। नहीं माननीय सुरेश जी, प्लीज बैठिए, प्लीज, नो, ये तरीका नहीं है, नहीं, नो। चलिए, ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू, प्लीज प्लीज, नो नो, प्लीज आप बैठिए, आपको किसने कहा। टीआर बालू जी, प्लीज 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 प्लीज, आपको मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, प्लीज प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री, ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ही तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है।